नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स पर आजकल हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, जिसमें एनसीईआरटी पर बेस्ड टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। सीबीएसई में आए हुए कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। तो ये देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पर क्लास ट्वेल्थ में मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, और इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हम बात करेंगे आपसे। इसके अलावा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की भी हम बातचीत करेंगे आपसे। आइए देखते हैं क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब अगर आप बोलें तो कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एम इन टू एन मैट्रिक्स। यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, ए का ट्रांसपोज जिसको आप कुछ ए पावर टी करके लिख सकते हैं, या इस तरह से ए डैश भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो वो क्या है। सबसे पहले तो ए आपके पास m into n है, यानी अगर मैंने देखिए a is equals to a i j है जो कि m into n मैट्रिक्स है, तो जब a का ट्रांसपोज कर देंगे तो वही एलिमेंट आपके पास a i j वो a j i हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो एक एलिमेंट किसी एक रो में था वो कॉलम में चला जाएगा, और कॉलम वाला रो में चला जाएगा, और ये जो m into n मैट्रिक्स था ये n into m हो जाएगा, n into m हो जाएगा। यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में मैंने कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपके सामने, कोई भी एक मैट्रिक्स आप लिख ले लेते हैं, कुछ भी 1-1, 2, 3-4, चलिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 2 rows, 3 columns, करेक्ट। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करना, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। तो जब 2 into 3 मैट्रिक्स है तो वो अब 3 into 2 हो जाएगी। किस तरह से, आपने देखा 1, ये 3, -1, 2, 2, 4, करेक्ट। यानी ये जो आपके पास कॉलम्स थे ये देखिए रोज बन गई, जो रो थी वो कॉलम की टर्म में कन्वर्ट हो गए, 3 into 2 मैट्रिक्स बन गई। अब अगर किसी एलिमेंट को चेक करता हूं, आइए देखिए मैं इस 3 को चेक करता हूं, इस ए मैट्रिक्स के अंदर इस 3 की पोजीशन क्या थी। आपने कहा जी ये जो 3 मेरे पास एलिमेंट था, ये जो एलिमेंट मेरे पास 3 है ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है, ए 2-1 बोल रहे हैं, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम। आइए उसी 3 को इधर ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में चेक करते हैं, यही 3 यहां पर आपके पास फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो वही जो एलिमेंट, चलिए मैं उसको ए ही लिखता हूं, बी नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास 2-1 है, वही सेम 3 उधर जाकर के जब ट्रांसपोज किया तो 1-2 हो गया, यानी आई जेथ एलिमेंट जो है वो जी आई में कन्वर्ट हो गया। यहां देख रहा, यही लिखा मैंने यहां पर, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, जब ट्रांसपोज करोगे तो वही एलिमेंट जो
आई जे बोल रहे थे उसको आप जे आई बोलेंगे, और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो पहले एम इन टू एन था वो कन्वर्ट हो गया एन इन टू एम की फॉर्म में. इज इट फाइन? ठीक. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. अब आती है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के लिए मैंने स्टार्ट किया तीन मैट्रिसेस के साथ. ए बी एंड सी आर सूटेबल मैट्रिसेस. अब यहां सूटेबल वर्ड क्या शो कर रहा है? सूटेबल वर्ड शो कर रहा है कि जब आप मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो सूटेबल का मतलब होता है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको सूटेबिलिटी के बारे में मालूम है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे. तो इस तरीके की सूटेबिलिटी इन तीनों मैट्रिसेस के अंदर अवेलेबल है, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं. तो आइए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैं शेयर करता हूं आपके साथ. फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है ए ट्रांसपोज, उसका एक बार फिर से ट्रांसपोज. तो ए का ट्रांसपोज किया, एक बार फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ जाना चाहिए? पक्की बात है ए दोबारा से आ जाना चाहिए, राइट ना? ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज अगेन, तो दैट इज कॉल्ड द ए इटसेल्फ. ए दोबारा से फिर से मुझे ऑब्टेन हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी लैम्डा टाइम ए एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट, यानी लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई किया फिर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया, या कहता है ए को ट्रांसपोज करो फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, कोई कांस्टेंट है. वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, ठीक है, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी. थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी मुझे बोलती है नेगेटिव ए एंड देन ट्रांसपोज ऑफ दैट, या कह दीजिए ए का ट्रांसपोज और उसके बाद सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव कर दीजिए. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसका सिंपल मीनिंग है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, नथिंग स्पेशल, कोई विशेष चीज नहीं नजर आ रही. ऐसे ही पांचवें ए माइनस बी ट्रांसपोज, दिस इज अगेन ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. और फाइनली द लास्ट वन सिक्स्थ वन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी ट्रांसपोज, इसे हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कहते हैं. इसको बारे में ध्यान रखना, याद भी रखना है, रिवर्सल लॉ कहते हैं इसे. दिस इज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज. इज इट फाइन? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बोला करते हैं. चलिए और आगे बढ़ते हैं. इसके आगे मेरे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, जिसको ट्रांसपोज करने के बाद वही के वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही की वही आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे और ए जे आई आपस में सेम है, क्योंकि जब सिमेट्रिक करेंगे, जब अगर आपके पास ट्रांसपोज करेंगे
तो आप जानते हैं IGth एलिमेंट और GIth एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, या IGth एलिमेंट GI बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सेम होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो कहने का मतलब है ये पहचान होती है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर IGth एलिमेंट और GIth एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल हुआ करते हैं, जहां पर I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और साथ सेम थिंग फॉर द J, J इज फ्रॉम 1 टू n। एक एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए, माना मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए 1, 2, 4, 2, 3, 7, 4, 7, 9। अब यहां देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सोच के लिखा, ये 2 है, ये 2 यहां लिखा, ये 4 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, 7, 7। क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये वाला 2 इंटरचेंज होकर यहां पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 यहां पहुंच जाएगा, ये 7 यहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें तो कोई फर्क ही नहीं आना, इसलिए इनको कुछ भी लिख लीजिए आप, करेक्ट। तो यहां देख रहे हैं कि इसका A का ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल गिव मी द सेम मैट्रिक्स, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, स्क्वायर होनी चाहिए, IGth पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट GIth पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दिस इज द सिमेट्रिक। आगे बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक, यहां भी वही था, उसी तरह की बात, लेकिन इसमें A का ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव A आना चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं अगर A का ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अब इस तरह के मैट्रिक्स में क्या होता है, GIth एलिमेंट और IGth एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले होते हैं, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। I और J के बारे में जैसा ऊपर लिखा था वही सेम थिंग। आइए इसका भी एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने। और सबसे पहले एक बात और याद रखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल एलिमेंट उसके जीरो होते हैं। यहां अगर आप 2 लिखते तो ये -2 होना चाहिए, ये 4 लिखा तो दिस इज -4, ये 7 तो दिस इज -7, करेक्ट। अब जब मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 0, 2, 4, -2, -4, 0, -7, 7 and 0। अब आप देखिए क्या ये और ये सेम है, अपने का सेम तो है, केवल डिफरेंस किस चीज का, नेगेटिव का है। अगर मैं नेगेटिव बाहर निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आउटसाइड, देन व्हाट वी गेट, 0, 2, 4, 2, 0, 7, 4, 7, 0, व्हाट वी गेट, ए मीन नेगेटिव ए। अगर इसको मैं ए बोलता हूं तो दैट इज नेगेटिव ए, तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए अगर आ जाता है तो वो आपके पास कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ए का ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, परफेक्ट, ठीक। तो इस तरह से मुझे दो बातें पता चली कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। सेकेंडली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है और उसको हम स्क्वायर उसको भी लिया करते हैं। इज इट फाइन? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर, वो कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कहते कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। फिर पढ़ते हैं इसको, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसको। हमने बोला लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इस ए को मैं लिखूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जरा बड़े ध्यान से सोचें कि हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ ए कितना हो गया ए। यहां पर हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज नेगेटिव हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, सिंपल। यानी कहने का मतलब है कि ये भी जो मैंने लिखा है दिस इज ए, यानी ए के मैंने दो टुकड़े ये कर दिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि ये जो दो टुकड़े कर दिए इनमें से एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए इसे भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास ए है जिसके मैंने दो टुकड़े किए, एक को मैं पी और दूसरे को क्यू बोल देता हूं, ठीक है। आइए इस पी को लेते हैं। पी इज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको वो कहते हैं सिमेट्रिक है ये। अब मैं कैसे चेक करूं कि ये सिमेट्रिक है? आप बोलेंगे इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी इस पी का ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं। पी के ट्रांसपोज का मतलब है राइट हैंड साइड को भी चेक करो। राइट हैंड साइड में 1/2 का ट्रांसपोज है तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका जरूर ट्रांसपोज कर लो, यानी ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड ट्रांसपोज किया 1/2, अब ये क्या आया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी के ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी बताई मैंने, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का भी ट्रांसपोज, है ना, ये ए है और दिस इज बी। तो आपके पास ये व्हाट वी गेट 1/2 ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, दैट गिव्स मी ए इटसेल्फ, ए दोबारा से मिल गया। क्या ये चीज ऑब्टेन हो गई? अब बोलेंगे अभी तो नहीं हुई। अब जब मैट्रिक्स एडिशन मैंने आपको कराया था तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ बताया था, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो कोई बात नहीं है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज भी बोल सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, पी था मेरे पास, उसका मैंने ट्रांसपोज करके देखा, एक बार फिर दोबारा से पी आ गया। व्हाट वी गेट, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी। तो पी कौन हुआ, पी इज सिमेट्रिक, करेक्ट। तो वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू दिस पी, दिस पी इज सिमेट्रिक प्लस। अब क्यू को भी चेक कर लेता हूं, क्या क्यू क्यू सिमेट्रिक है, इसको भी देख लेते हैं। क्यू क्यू मैंने किसे बोला, क्यू बोला मैंने 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस क्यू को भी ट्रांसपोज करके देखते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दैट गिव्स मी 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। दैट मीन व्हाट वी गेट, ए ट्रांसपोज माइनस ए, नेगेटिव इसमें से आउटसाइड ले लूं, माइनस 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज, नेगेटिव आउटसाइड लिया तो दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज. व्हाट इज दिस? दिस इज नेगेटिव क्यू. तो क्यू का ट्रांसपोज आपने किया, नेगेटिव क्यू आपके पास आ गया, तो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक. पी इज सिमेट्रिक, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ए, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसके दो पार्ट्स आपने किए, 1/2a + a transpose, 1/2a - a transpose, जिसको मैंने p और q सपोज किया, p को मैंने चेक किया वो सिमेट्रिक था, q को मैंने सपोज किया, q को मैंने चेक किया वो स्क्यू सिमेट्रिक था. तो ठीक है, मेरी बात ही प्रूव हो गई कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है उसके आप दो टुकड़े कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. आइए इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके. आइए देखते हैं. ये है मेरे सामने वो प्रॉब्लम, इसमें बोला गया एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यानी ये मेरे सामने एक मैट्रिक्स ए है विच इज 1 - 6 - 4 - 3 - 8 - 6 - 5 - 3 - 5, और आपसे बोला गया इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए. आपको मालूम है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो सिमेट्रिक वाला पार्ट मेरे पास होता है 1/2 a + a transpose, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है 1/2 a - a transpose. परफेक्ट. तो a इज गिवन हियर, मुझे a का ट्रांसपोज निकालना है पहले. अब a के ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1, 3, 5 - 6, 8, 3 - 4, 6 and then 5. This is A and this is A transpose. अब अगर आप A और A के transpose को add कर लें, A plus A transpose, यानी दोनों को plus कर दीजिए, this is 2 here, minus 6 और 3, minus 3 रह गया, this is 1, then minus 6 और 3, this is minus 3 here, 8 and 8, that is 16, and this is 9, ठीक है, then minus 4 or 5, this is 1 here, and 6 or 3, 9 here, and 5, 5, 10 here, correct, this is a + a transpose, अब मुझे तो निकालना 1/2 a + a transpose, a plus a transpose मेरे पास ये गिवन था, let me check it, 2 - 3 - 1 - 3 - 16 - 9 - 1 - 9 - 10, correct, तो then 1/2 2 - 3 1 - 3 16 9 and 1 9 and 10. All right, 1/2 से डिवाइड करिए, यानी 2 से डिवीजन कर दीजिए आप इसे, तो 2 से डिवीजन करेंगे, व्हाट वी गेट, 1 हियर, -3/2 1/2 - 3/2 हियर, 16/2 - 8, 9/2 एंड 1/2 हियर, 9/2 हियर, 10/2 - 5. दिस इज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज. अब इसमें अगर आप चेक करें बड़े गौर से तो आई जेथ पोजिशन पर प्रेजेंट एलिमेंट और जे आई एथ पोजिशन पर प्रेजेंट एलिमेंट सेम है, -3/2 यहाँ -3/2, ये 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 9/2, दिस इज 9/2, और डायगनल, डायगनल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी हो डायगनल नो प्रॉब्लम, करेक्ट. दिस इज सिमेट्रिक, पता लग गया मुझे एलिमेंट्स को देख करके. नहीं,
नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये यहां पर ए माइनस ए ट्रांसपोज भी कैलकुलेट करके देखता हूं। ये देखिए ये मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 - 1 0, 3 + 6 9, 5 + 4 दैट इज अगेन 9, तो ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। और ये भी मैंने नोट किया कि डायगोनल पर प्रेजेंट एलिमेंट 0 आ गए, ijth पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट jith पोजीशन पर प्रेजेंट एलिमेंट का नेगेटिव है, एंड नाउ 1/2 0 माइनस 9 माइनस 9 9 0 3 9 माइनस 3 0, और वी कैन राइट इट एज 0 9/2 9/2 नेगेटिव 9/2 0 नेगेटिव 3/2 एंड अगेन माइनस 9/2 3/2 एंड 0, करेक्ट। तो इस तरह से मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी और मुझे बोला गया कि इसके दो पार्ट कीजिए, एक ये रहा जी, दिस इज सिमेट्रिक पार्ट, सेकंड इज दिस वन विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और अगर इन दोनों को आप ऐड करके देखेंगे, वी गॉट दिस द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक वर्ड आया यूनिक, यूनिक का मतलब यह है कि फॉर एवरी पर्सन दिस इज सेम। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और निकालूं आप कुछ और निकालो और दोनों करेक्ट हो, नहीं जी, किसी का रॉन्ग है तो दैट गिव्स मी द यूनिक रिजल्ट। ठीक है, तो इतने रहने देते हैं आज इस वीडियो में। तो आज हमने क्या सीखा, सिमेट्रिक से पहले मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखा, और ट्रांसपोज के बाद ये सीखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक वीडियो और शेयर करूंगा आपके साथ इसी ट्रांसपोज पर, लेकिन वेट कीजिए उसका, पहले से देखिए। थैंक यू।